जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 16th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और अगर आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक CDS, NDA, CAPF, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस सीरीज इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। बिना किसी देरी के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं एक छोटी सी शायरी से बयां करना चाहूंगा ये दिवस को। ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। विजय दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। विजय दिवस जो कि दिसंबर 16 को मनाया जाता है, कॉमेमोरेट किया जाता है इंडिया की विक्ट्री ओवर पाकिस्तान पे। ठीक है, ये 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की कहानी है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अपनी इमेज को बहुत रूबरू हो गए आप इस इमेज से। तो ये हैं अपने अब्दुल्ला खान नियाजी, जिनको साइन करवाई थी, एग्रीमेंट साइन करवाया था, 93,000 ट्रूप्स को सरेंडर करवाया था, मतलब जीत हासिल की थी, और इसको 93,000 जो ट्रूप्स थे उनको खदेड़ दिया था भारतीय सेना ने। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। और किसने ये लैड किया था? ये लैड किया था लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी ने, ढाका में। तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इसी वॉर का जो रिजल्ट था ना, वही था बांग्लादेश का बर्थ, बांग्लादेश का जन्म हुआ था इसी वॉर के कारण। ठीक है, तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। जिसे पहले क्या बोला जाता था? जिसे पहले बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान, है ना। तो अगर बांग्लादेश में कौन से उसमें मनाया जाता है? बांग्लादेश में इसे बोलते हैं विजय दिवस, विजय दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? मार्किंग द कंट्रीज फॉर्मल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। कंट्री को आजादी मिली थी पाकिस्तान से, तो विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके 8 महीने बाद क्या होता है? उसके 8 महीने बाद इंडिया और पाकिस्तान एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसे बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट ये साइन होता है कब? 1972 में। ठीक है, 8 महीने बाद अगस्त में। तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरी आउट कौन सा पाकिस्तान ऑपरेशन हुआ था? तो उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन में ही विजय थी, तो जीत तो होना ही थी भारतीय सेना की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूर्य किरण। सूर्य किरण जो रिसेंटली अभी 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी, तो इसके बारे में अपन को कुछ स्टेटमेंट देखना है। दिस ईयर 16th एडिशन विल बी कंडक्टेड। कौन सा एडिशन होगा ये 16th एडिशन? ठीक है, सूर्य किरण इज द बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। इंडिया इज द होस्ट कंट्री ऑफ सूर्य किरण 2022। नहीं, इस बार इंडिया नहीं करेगा, इस बार करेगा कौन? नेपाल की आर्मी। कहाँ पे करेगा? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सल्जीहांडी में। ठीक है, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। इसमें क्या याद रखना है आपको? ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पे इनने क्या पूछा है? मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसे हमेशा पढ़ा करो कि ये क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट टिक मत लगा दिया करो। अच्छा, दो ऑप्शन तो सही मिल गए, हम लगा देते हैं 1 और 2। इनने पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है सिर्फ ओनली 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3, है ना। अब ये कहाँ पे होगी? अपनी कौन सी? श्री भवानी वक्ष बटालियन, जो नेपाल आर्मी की, ये पार्टिसिपेट करेगी। और कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें? इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे 5 GR सोल्जर्स। ठीक है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। सूर्य किरण बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हमेशा अल्टरनेटिव कंट्री एक्सरसाइज को होस्ट करती है, इससे पहले इंडिया ने करा था, इस बार नेपाल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आर्मी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है अपने लिए। इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगेंस इन विच स्टेट? कहां पे हो रही है, कहां पे होगी स्टार्ट? ये भी 15 से 28 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद, ठीक है, 2022 बिगिंस इन उमरोई मेघालय। कहां पे होगी ये? मेघालय में। आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपको, चलो, ये पता है जब हम एग्जाम दिया करते थे ना, तो हमें डायरेक्ट ये नहीं आता था कि इंडिया कजाकिस्तान काजिंद, ऐसा कुछ नहीं आता था। ठीक है, मैं आप एक चीज बताता हूँ, काजिन 2022 नहीं आता था उस दिन, उस टाइम हमें आता था प्रबल दस्तक, प्रबल दस्तक। ठीक है,
कि अच्छा ये बताओ कि प्रबल दस्तक कौन सी कंट्री के साथ होती है, तो उस टाइम हमें ये क्लू नहीं मिलता था काजिन, हमें तो बताना पड़ता था, हम भूल ही जाते थे कौन सी एक कंट्री के साथ होती है, तो वो होती थी कजाकिस्तान से के साथ, है ना। तो इसका 2016 में नाम क्या था, प्रबल दस्तक, फिर इसको अपडेट किया गया 2018 में, 2018 में इसको अपडेट किया तो इसका नाम क्या रख दिया, कजिन एक्सरसाइज, है ना। आप ये चीज ध्यान रखना कि आपसे पूछ लें प्रबल दस्तक जो एक्सरसाइज है उसका नाम कौन सी कंट्री के साथ होती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं जो लेटर उसका नाम था। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें 11 गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कजिन एक्सरसाइज में, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखना। मेघालय से आप मुझे 3 चीजें लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या याद आता है, मैंने तो बहुत बार बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट टॉप्स इन द टेबल ऑफ GI टैग अवार्ड अक्रॉस द कंट्री। रिसेंटली अभी ये हिंदू में आर्टिकल देखा हुआ था मैंने, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया मैंने। रिसेंटली 9 प्रोडक्ट्स को क्या किया है, GI टैग दिया है, जिसमें से 5 किसके हैं, केरला के हैं, ठीक है। तो किसने टॉप किया ये टेबल, ये टेबल टॉप किया केरला ने, ठीक है। अब GI टैग का अच्छा आपसे पूछ लें कि कितने हैं अपने पास GI टैग, तो आप बोलोगे सर 432, 432 GI टैग है इंडिया के पास। और ये पता है 10 साल में इसको रिन्यू करवाना पड़ता है GI टैग को, आपको ये बात पता थी, है ना। GI टैग के बारे में अपन एक पूरी क्लास ले लूंगा मैं, इसमें से कौन कौन से नो GI टैग में किस किस को, इंक्लूडिंग गौमसा असम को, अलीबाग व्हाइट ऑनियन फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना, लद्दाख के रक्षे एप्रिकोट, तो ये सारे को क्या मिला है, GI टैग मिल चुका है। अभी लास्ट मैंने कौन सी बोर्ड बताई थी, अब वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, और वो कहाँ की है बोर्ड जिसने GI टैग के लिए अप्लाई किया है ना, कौन से स्टेट की है और कौन क्या नाम है उस बोर्ड का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लिस्टेड नेवडा फ्लावर एज इंडेंजर्ड एट लिथियम माइन साइट, कौन सी कंट्री ने लिस्ट कर दिया है नेवडा फ्लावर, नेवडा फ्लावर कौन सी कंट्री का है, ये फ्लावर है US का। अगर आपसे पूछ ले नेवडा फ्लावर जो कि रिसेंटली इंडेंजर्ड कर दिया है, तो आप बोलोगे सर वो है US का। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लगता होगा मैंने फालतू में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, है ना, इस टाइप का कोई मतलब नहीं है, मोटिव नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आप लास्ट ईयर्स के एग्जाम देखिएगा, आपको पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये वाला कहाँ का है, US का है। अब US से आपको क्या याद आता है, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज याद आती है, वो किसके बीच में होती है, इंडिया और US के बीच में, कहाँ हुई थी इस बार, औली उत्तराखंड में, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, और कुछ तो याद नहीं रखना है US से रिलेटेड बाकी। अच्छा रिसेंटली अभी फर्स्ट 2 वुमेन सेक्रेटरी जिनकी साइन आई थी, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, US करेंसी पे फर्स्ट वुमेन है जो कि 2 वुमेन्स बनी थी जिनकी सिग्नेचर थी US करेंसी पे, है ना, तो आप ये भी ध्यान रखना। और कुछ तो याद नहीं रखना है, बाकी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, FIH उड़ीसा हॉकी मैंस वर्ल्ड कप 2020-23 होस्ट बाय विच कंट्री। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे उड़ीसा नहीं है, मिस्टेक होगी बनाने में, सॉरी। तो रिसेंटली क्या हुआ है, क्यों न्यूज में आया, टाटा स्टील लिमिटेड ने साइन किया है मेमोरेंडम जिसमें ये ऑफिशियल पार्टनर बन गए हैं काय का, जो हॉकी FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पे होगा ये होगा 2023 का, कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो कौन होस्ट कर रहा है इस बार, इस बार होस्ट कर रहा है इंडिया, तो इसका आंसर है इंडिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल में और ये इवेंट जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करूं FIH जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, ये एग्जाम में आया है लॉसन स्विट्जरलैंड में, कब स्थापित हुआ था 1924 में, ठीक है। और ये वाला जो एडिशन है ना, ये है 15th एडिशन, 15th एडिशन से भी आप याद रख सकते हो। अच्छा एक बार और एक चीज और बताता हूं मैं, इंडिया फोर्थ टाइम होस्ट कर रहा है FIH को। अगर आपने सुना होगा कि इंडिया ने लास्ट टाइम भी भुवनेश्वर में किया था FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, तो आपने सही सुना था, इंडिया 4 बार कर चुका है। कौन कौन से ईयर में इंडिया ने होस्ट किया है, तो इंडिया ने होस्ट किया 1982 में, 2010 में, ठीक है, 2018 में, और अब कर रहा है 2023 में। ये दोनों करे थे उड़ीसा में, ये वाला करा था बॉम्बे में, और ये वाला करा था दिल्ली में, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, फोर्थ टाइम है इंडिया का।
और इसमें 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंडी हुक अपॉइंटेड एज द इनॉग्रल सीईओ ऑफ द 2032 ओलंपिक। 2032 ओलंपिक कहां पे होने वाला है, यही क्वेश्चन मैंने बनाया है। विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक 2032, कौन सा ओलंपिक मैंने पूछा है, मैंने पूछा है आपसे समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स के बारे में पूछा है। तो ये कहां पे होगा, ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं आपसे सारे ओलंपिक्स की बात कर लूं कि जो अभी रिसेंट इवेंट्स होने वाले हैं, अपन उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं समर ओलंपिक्स की बात करूं तो 2021 में कहां पे हुआ था, टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में। 2024 कहां पे होगा, ये होगा पेरिस फ्रांस में, ये समर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं मैं। 2028 कहां पे होगा, ये होगा लॉस एंजलिस में, ठीक है, लॉस एंजलिस में। और 32 कहां पे होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो ये हो गया अपना समर ओलंपिक्स। अब अपन बात कर लेते हैं विंटर ओलंपिक्स की। विंटर ओलंपिक्स 2022 कहां पे हुआ था, ये हुआ था बीजिंग चाइना में, ठीक है। 2026 कहां पे होगा, ये होगा मिलान इटली में, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, दोनों चीजें मैंने बता दी आपको। अब एशियन गेम्स, एशियन गेम्स कहां पे, 2022 कहां पे हुआ था, चाइना में, ठीक है। एशियन गेम्स 2022 कहां पे हुआ था, चाइना में। और 2026 कहां पे होगा, जापान में। तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, ये एशियन गेम्स है, ये समर ओलंपिक्स है, अब नीचे वाले विंटर ओलंपिक्स थे, ठीक है। मैंने अपनी कोशिश करी है कि मैं आपको सारा कुछ बता पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से इंस्टीट्यूट ने साइन किया है एमओयू विद आर्मी ट्रेनिंग कमांड फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसके साथ, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया, कौन से आईआईटी ने किया है? तो वो है आईआईटी रोपड़, ठीक है। आईआईटी रोपड़ ने किया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, आरट्रैक भी, जिसे अपन आर्बिट्रेशन बोलते हैं, आरट्रैक जिसका शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या करेंगे, ये अप्लाइड रिसर्च करेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी में। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। आईआईटी रोपड़ कहां पे, आईआईटी रोपड़ है अपना पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। अच्छा, आरट्रैक का फुल फॉर्म क्या है पूरा? आरट्रैक का फुल फॉर्म है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। अगर मैं आपसे आर्मी ट्रेनिंग कमांड पूछूं तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहां पे, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है शिमला में, ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ये कब फाउंडेड हुई थी, 1991 में। आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। अब अपन आईआईटी से अगर आपको ध्यान आता है तो आईआईटी से ध्यान आता है आपको आईआईटी मद्रास। आपको आईआईटी मद्रास क्यों याद आता है, आईआईटी मद्रास ने क्या किया था, सिंधुजा। सिंधुजा क्या करेगी, सिंधुजा ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। क्या करेगा, जो वेव्स है ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। अच्छा, आपको एक चीज और पता होगा, पाइवोट। पाइवोट क्या करेगा, पाइवोट भी आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ये क्या करेगा, जो कैंसर है ना, ये कैंसर को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कैंसर वाला टूल है ये। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो। और एक और इसने आईआईटी मद्रास ने बनाया था, होमोसेप, ठीक है। होमोसेप क्या करता है, ये सेप्टिक टैंक है ना, उनका एक रोबोटिक काम है, तो ये इसको बोल सकते हो आप, सेप्टिक टैंक सफाई करता है ये, है ना। तो ये तीन चार चीजें मैंने बताई, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री टू बी फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सेटकॉम स्पेक्ट्रम, कौन सी कंट्री बनी है जो सेटकॉम स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करेगी। तो वो बना है अपना प्यारा भारत, ठीक है। इंडिया टू बी फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सेटकॉम स्पेक्ट्रम, इससे क्या होगा, इससे अपना इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा इस सेक्टर में, कम्युनिकेशन अपने इस सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, कल्पना वन ये किसके नाम पे रखी गई थी, ये रखी गई थी कल्पना चावला जी के नाम पे। ये इंडिया की फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बताओ फर्स्ट कौन सी है, तो कल्पना वन। आपने सुना होगा रोहिणी वन, ये इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि लॉन्च हुई थी इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से, इंडियन मेड था वो। तो ये आपसे पूछ ले कोई, बताओ डैश वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल, तो आप बोलोगे रोहिणी वन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने आपको ये बताना सही समझा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सी सिटी होस्ट कर रही है इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट IWIS 2022, तो ये कर रही है अपना न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ अवर इंडिया, ठीक है। तो ये कौन सा एडिशन है, ये एडिशन है 7th एडिशन है, आपको ये ध्यान रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री करती है इसको, जल शक्ति मिनिस्ट्री,
जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन संभालते हैं? वो संभालते हैं अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है, मिनिस्टर है जल शक्ति मिनिस्ट्री के। और आप मुझे बताओ कि जल शक्ति मिनिस्ट्री आई कब थी, ठीक है, सेंट्रल में आई कब थी, और ये कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में। अगर इसकी आपसे थीम पूछ लें, इसकी थीम है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसिन्स, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है इसकी। और अगर इसका एम पूछ लें आपसे, तो इसका एम है 5P। 5P में क्या क्या आएगा? पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। आपको ये 5P याद रखना पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपसे पूछने। एक थीम याद रखना है, एक एम याद रखना है, एक कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है, और कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है, तो ऑब्वियसली जल शक्ति मिनिस्ट्री इसे करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूके, फ्रांस एंड विच कंट्री हैव एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप एट UNSC, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, दिसंबर में प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। तो कौन सी तीन कंट्री ने किया है सपोर्ट अपना कि परमानेंट सीट मिले इंडिया को? तो वो किया है UAE ने, ठीक है। अब इसमें अपन एक चीज और बताता हूं मैं आपको, UAE, UK और फ्रांस ने परमानेंट मेंबर बोला है कि आप इंडिया को बनाना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ का रीजनल सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, सिर्फ चाइना यहाँ पे परमानेंट मेंबर है। तो अगर मैं बात कर लूं UNSC की, UNSC की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, ठीक है। ये यूएन का, यूएन में 6 मेजर ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक क्या है, UNSC है ना। UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UNSC का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल मेंबर्स है 15, ठीक है, जिसमें से 5 है इसके परमानेंट मेंबर्स और 10 है नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो दो दो साल में के लिए रहते हैं, 2 ईयर्स के लिए रहते हैं। तो इसमें 5 कौन कौन है? इसमें है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। आप ये 5 कंट्रीज याद रखना, ठीक है। इसमें और कुछ तो नहीं है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 5th एडिशन ऑफ यूथ कोक लैब बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन पार्टनरशिप विद कौन सी, किसके साथ किया है ये, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? तो आपका आंसर होगा सर, नीति आयोग। नीति आयोग के साथ रिसेंटली मिलके ये यूथ को लैब बनाएगी बाय UNDP। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। यूथ को लैब वॉज क्रिएटेड इन 2017, 2017 में इसको करा था, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, किसके साथ? नीति आयोग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू Agni-5 मिसाइल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इट इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, अग्नि क्या है? अग्नि इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। इट इज द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल सीरीज। इट्स रेंज इज मोर देन 500 किलोमीटर्स। जी हाँ, 5000 किलोमीटर, यस, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ऐसे क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को शेयर कीजिए। देख लेते हैं Agni-5 के बारे में, ये कहाँ से लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड से, जिसको हम पहले व्हीलर आइसलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, व्हीलर आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसको आगे मैं आपको शेयर करता हूँ बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड। तो देख लेते हैं Agni-5 के बारे में, थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। ये कौन से टाइप की मिसाइल, अगर आपसे पूछ लें, तो ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, और ये क्या वॉरहेड भी रख सकती है, बहुत न्यूक्लियर एंड ट्रेडिशनल वेपन्स दोनों रख सकती है। इसका डायमेंशन कितना है? इसका डायमेंशन है 17 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर इसका डायमीटर है, ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। किसने इसे डेवलप किया? इसे डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है, DRDO ने, ठीक है, आप ये ध्यान भी रखिएगा। Agni-5 के बारे में ये सब चीजें पढ़ना। Agni-5 कौन से एलाइड ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है जिनके पास कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? तो वो है US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है, ये कंट्रीज हैं, आप इन्हें स्टार मार्क कर लेना। अब इसमें अपन और क्या देख सकते हैं? अच्छा, APJ अब्दुल कलाम का मैंने जैसे आपको बताया कि उनका आइसलैंड का नाम क्या रख दिया था, पहले क्या था, व्हीलर आइसलैंड, है ना, ये 2015 में चेंज कर दिया था ये आइसलैंड का नाम, है ना, तो आप ये चीज ध्यान रखना। अब अग्नि मिसाइल आप पूछोगे मुझसे, सर ये कौन से प्रोग्राम के अंडर है? तो ये है IGMDP, ठीक है, ये जो आपने पढ़ा होगा ना IGMDP, है ना, इंटर ये वाला प्रोग्राम,
तो ये कब हुआ था, ये चालू ये हुआ था 1983 में। इसमें 5 मिसाइल्स बनाई गई थी जिसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पटना, PATNA, पटना। पटना से क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी ए से क्या है? अग्नि। टी से क्या है? त्रिशूल। एन से नाग। ए से आकाश। ठीक है, पृथ्वी जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मैंने आपको बताया। अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। और जो आकाश वो है सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत डीप में पढ़ी लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट यूटी विल इशू एन 8 डिजिट नंबर्स, ये कौन सी यूटी ने किया है? तो वो किया है जम्मू कश्मीर ने। ये फैमिली को एक यूनिक नंबर देंगे जिससे उन्हें पहचाना जाएगा, तो ये करा है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपके लिए क्विज ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अवॉर्डेड द, ये क्वेश्चंस मैंने नवंबर के डाले हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे सर नवंबर की भी प्रैक्टिस करवाइए आप, तो ये क्वेश्चंस उनके हैं। कर्नाटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम, इन्हें अवार्ड मिला है कौन सा? चेवलियर अवार्ड मिला है। तो ये कौन सी कंट्री देती है? फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड थैंक्स, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। यू आर द किंग ऑफ करंट अफेयर्स। आई एम वेरी हैप्पी दिस कि आप मुझे इतना अच्छा मानते हो। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। सुभाष चौधरी ने भी अच्छा किया, इनका फर्स्ट डे था चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मोमूल केव कौन से स्टेट में है? ये रिसेंटली मैंने बहुत बार बता दिया है आपको, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज बींग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पे हो रही है लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी? कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगी तीनों क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। इस सीरीज में बनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं फॉर द करंट अफेयर्स, और फॉर द PDF यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता हूं। मिलता हूं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।